अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शायद सदरीन। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक मुतासर हैं। वहीं दुनिया के कई ममालिक को इन दिनों कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई है। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया है कि पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर आ चुकी है। दुनिया भर के ममालिक में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर ख़तरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान में कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से बात की है पाकिस्तान में वबाई अमराज की माहिर डॉक्टर बुशरा जमील से। बुशरा जमील का कहना है कि पाकिस्तान में कोविड-19 की पहली लहर को भरपूर अंदाज से काबू पाया गया, इसलिए कोविड-19 की दूसरी लहर खतरनाक साबित होने के कोई इम्कान नहीं। देखिए, कोविड-19 एक नया इन्फेक्शन है और इस मर्ज के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अभी भी हम सीख ही रहे हैं। पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं, ख़तरनाक होने का जहाँ तक ताल्लुक है फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स सीख गए हैं कोविड की तशखीस और कोविड की मैनेजमेंट। सो मेरे ख़्याल में अब हॉस्पिटल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से कोविड के मरीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं होगी। कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शिद्दत देखी जा रही है, इसके अंदर आबादी का जेनेटिक मेकअप, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, मौसम की सूरत हाल, पॉपुलेशन, ये सब फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके अलावा माइनर फैक्टर्स भी आते हैं उसमें, मेल जेंडर, स्मोकिंग और अनहेल्दी हैबिट्स, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। सो हर मुल्क में एक डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंस देखा जा रहा है मर्ज़ की शिद्दत और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के एतबार से। पहली वेव में भी लोग हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और बहुत मुश्किल ही से लोग मास्क पहन रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और हाथ धोना किसी को याद नहीं रहता। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जिससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बेहद ज़रूरी है। ये ज़िम्मेदारी सब लोगों को ख़ुद उठानी पड़ेगी, ख़ुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, महफूज रखें बीमारी से, और अगर आप महफूज रहेंगे तो दूसरे भी इस बीमारी से महफूज रहेंगे। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से कोविड-19 के ट्रायल्स जारी हैं। बुशरा जमील कहती हैं कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल्स में पाकिस्तान का किरदार काबिले सताइश है। वैक्सीन के ट्रायल में, एडल्ट वैक्सीन के ट्रायल में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है और बल्कि हिस्टोरिक बात है मेडिकल कम्युनिटी के लिए कि कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल में ऐसा वैक्सीन कैंडिडेट जिसकी सेफ़्टी एंड एफिकेसी के बारे में अच्छा खासा डेटा मौजूद है कि ये सेफ़ वैक्सीन है, उस पर हेल्दी एडल्ट्स को दावत दी जा रही है कि वो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करें और इस ट्रायल से जो डेटा कलेक्ट होगा वो फिर इस्तेमाल किया जाएगा कि ये वैक्सीन अगर अच्छी साबित होती है तो आम पब्लिक को ऑफर की जाएगी और इस तरह शदीद मर्ज़ से बचने की एक उम्मीद पैदा होगी। पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर आने से पहले केसेस की तादाद इंतहाई कम रही, जिसके बाद हम अवामी सतह पर हिफाजत इकदाम के खिलाफ वर्जी भी दिखाई दी। कोविड की दूसरी लहर आने के बाद पाकिस्तान में हुकाम की जानिब से अवाम को भरपूर हिफाजती इकदाम अपनाने की हिदायत दी जा रही हैं। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।